की थी। हो गया खिलाना बाकी। जो आप देख रहे हैं पूरी टीम को, तो पूरी टीम ठंडी और मुझे भी ये शॉल मिल चुका है। तो यहाँ पे बेचारे जो हमारे दुल्हन वाली टीम थी, उन्होंने तो अपने लिए आग जगाई थी। तो चलिए, अब हो चुकी है नाइट और हो चुका है दूल्हे के आने का टाइम। ठीक है, तो उससे पहले ना मैं आपको यहाँ डेकोरेशन दिखाता हूँ कि डेकोरेशन क्या क्या हुआ है। ठीक है, आवाज़ पता नहीं साफ आएगी नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ का देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे कि अभी ये आपको दिख रहा है ना, तो ये अभी मतलब दूल्हे आएंगे यहाँ पे। दूल्हे का काम मतलब यहाँ पे आदर सत्कार होता है, जैसे कि होता है मतलब पूजा वूजा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा वूजा होने वाली है। ये वाला इलाका जो है वो दूल्हे के लिए है, और इसके बाद जब हम जाने वाले हैं इस वाले इलाके में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि जो जयमाला वगैरह होती है ना, तो वो होती है स्टेज में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेज। तो यहाँ पे हमारा स्टेज है और ये है डीजे। तो ये है स्टेज और यहाँ पे आप थोड़ी देर में जयमाला देखने वाले हो। तो स्टेज मतलब अभी आई थिंक लाइटिंग वगैरह लगेगी यहाँ पे शायद। ठीक है, और ये शायद है हमारा, ये हमारा खाने पीने का सामान। हमें तो पता नहीं कब मिलेगा खाने को, बट जो भी मतलब खाने वाले हैं, ठीक है, जो बराती वगैरह होंगे वो यहाँ पे सब खाने वाले हैं खाना। ठीक है, तो खाना अभी उस साइड को रेडी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज डिश बनने के वाली है। चलो उस साइड चलते हैं और देखते हैं कि क्या डिश है आज की। बाकी वो तो बाद में देखेंगे कि डिश क्या हो रही है। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे किचन में। तो किचन में ये बड़े बड़े पतीले, और इसमें पता नहीं अभी क्या बन रहा है। अभी हम पूछते हैं यहाँ के जो हैं भाई साहब जी, अंकल जी, क्या क्या बन रहा है फिर आज डिश में? सर, मटर पनीर और मिक्स वेज राजमा पुलाव। अच्छा, स्वीट में कुछ है? गुलाब जामुन है। अच्छा, बर्फ़ी भी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ खाने के लिए बन रहा है, तो बहुत कुछ खाने को है। और एक्चुअली हम फोटोग्राफर हैं, तो हमें ना हमें ठंडा खाना मिलता है, वो भी लास्ट में। ठीक है, वो मिल गया तो मिल गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। और खाना खाने के लिए अभी दूसरी बार भी आना है, क्योंकि अभी बराती आई नहीं है, तो बराती शायद पहुँचने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा मेन गेट की ओर। तो अभी बारात जो है हमारे आंगन में बस जस्ट पहुंचने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले हमने अभी इधर क्या तैयारी कर रखी है। इधर हैं सब बहन की सिस्टर्स लोग, सिस्टर ही हो ना तीनों? हाँ, एक भाभी भी है। ठीक है, एक सिस्टर भाभी सब लोग हैं यहाँ पे। तो अभी सबको हो रहा है वेट, और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि देखो इन्होंने आधा आधा पहना है और इतना ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं। तो मतलब बाद भी टकरा रहे हैं, तो मतलब फैशन दिखाना है। मैंने भी पहले हल्का सा पहना था, बट बाद में मैंने चेंज कर दिया था। तो बारात जस्ट बस अब गेट के सामने पहुंचने वाली है, तो उसके बाद दिखाते हैं। उसके बाद आई थिंक मुझे टाइम मिलने वाला नहीं है, बट ट्राई करते हैं। ठीक है, बारात पहुंच चुके हैं यहाँ पे हो रही है पूजा वगैरह। अभी दूल्हे की पूजा हो गई यहाँ पे। तो अभी मतलब जो बारात है वो अभी रेस्ट कर रही है, और मैं और एक छोटू सा
ये मेरे साथ यहाँ पे गप्पे लगा रहा है। तो अभी मतलब जयमाला की तैयारी होने वाली है, थोड़ी देर में मतलब जयमाला स्टार्ट करने वाले हैं हम। और अभी खाना तो नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लगी, क्योंकि चाय। और अभी मैंने देखो कपड़े कितने सारे पहन रखे हैं, एक मैंने मतलब दूसरा नया लेके आया था, मैंने सोचा यहाँ पे पहनूंगा बट ये भी नहीं पहना। फिर उसके ऊपर ये एक और, इसके ऊपर एक और। अब ठंड लग रही है बहुत तेज, तो अभी हम लोग थोड़ा बैठेंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे होने वाली है जयमाला की तैयारी। ठीक है, तो फिर नीचे जाके मिलें, नीचे जाके मिलते हैं। अभी हम आपको नीचे जाके मिलते हैं, ठीक है। मेरा सजना मिले आ सजना, मेरा दुआदाईया नी साजनी, जल्दी करो, सामने देखिए आप, सैनिटाइज करो पहले, थोड़ी मुस्कुराओ, मजमा कर दू ना तेरे पाओ पा, सामने देखिए सब लोग। हाँ लो भैया, देखना सीधे सामने देखो, फीलिंग सो रही है ना, भैया हो गया, जल्दी करो। तो अभी यहाँ पे हुई जयमाला और अब इसके बाद होने वाला है वहाँ पे, जैसे आप सामने देख रहे हो ना, तो वहाँ पे होगा अभी खाना, तो उसके बाद हम खाने दिखाने वाले हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे मतलब बहुत कम टाइम मिल पाता है इतना मतलब कवर करने का पूरा सब, तो अभी मैं जितना भी हो सकेगा अभी मैं कवर करूँगा। बाकी अभी खाना होने वाला है, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, मतलब पूजा वूजा करेंगे, फिर वो सिंदूर वगैरह होता है सब कुछ। तो सबसे पहले अभी हम दिखाते हैं इधर का खाना वगैरह। और जो मतलब ये टाइम था ना, अभी ये जो जयमाला वाला टाइम, मतलब बहुत टाइम लग गया इस पर, कि बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरी फैमिली होती है और उसको हमने वो करना होता है। तो अभी आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे अभी पूरी फैमिली है दूल्हे दुल्हन, और उनके लिए खाने के लिए रुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:30 बजे का। तो चलिए अभी आपको एक और इवेंट में लेके चलते हैं, और अब मुझे ना थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो अभी हो रहा है यहाँ पे, अब ये जो मोइन प्रोग्राम है ना, जहाँ पे पूरी शादी होती है, तो यहाँ पे पूरी अब शादी होने वाली है। और यहाँ पे अभी पूरे लोग बैठे हैं, पूरे ठंड से काँप रहे हैं, उधर आग जली हुई है। और यहाँ पे अभी मतलब दोबारा से एक बार और आएगा तो यहाँ पे होंगे फेरे, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं इसको, जरा इधर को मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, ओ गंदी पांपा। अरे तो अभी जो हमारा प्रोग्राम था ना यहाँ पे, मतलब मंगलसूत्र और मतलब जो भी यहाँ पे एक डेढ़ घंटे का प्रोग्राम था, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं पूरी टीम को, तो पूरी टीम ठंडी, और मुझे भी ये शॉल मिल चुका है। तो यहाँ पे बेचारे जो हमारे दुल्हन वाली टीम थी, उन्होंने तो अपने लिए आग जगाई थी, और वो बेचारे सामने वाली टीम मतलब ठंडे पड़े हुए हैं। और अभी ना सामने जैसे कि आप देख पा रहे हो उधर को, तो वहाँ पे अभी चल रही है फेरे वगैरह की तैयारी।
तो यहाँ पे हो रही है अभी फेरे वगैरह की तैयारी। तो ये जो कुमाऊँ में होती है ना, तो मतलब गढ़वाल में होती है, जो वो बड़ा केले का पेड़ लगाया जाता है और एक कुमाऊँ में मतलब छोटी छोटी सी होती है। तो और ये वैसे घर के सामने होती है, जैसे गढ़वाल में जाओगे ना आप तो घर से बाहर होती है, ठीक है। बट यहाँ पे घर में ही मतलब जो भी है घर में ही सब प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हो चुका है विदाई का टाइम और ये है हमारी दुल्हन, जो कल सुबह आपने देखा होगा ना कि कैसे चहक रही थी और अब देखो ठंड से ठंड से चहक रही है। तो अभी मतलब इस वीडियो में तो इतना ही हो चुका है और मुझे भी शॉल लेनी पड़ी यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो देखोगे हैं, देखोगे ना, तो ये मेरी वीडियो देखने वाली है। पता नहीं पहले तो देखती थी नहीं देखती थी, आप देखेगी ज़रूर, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी नेक्स्ट वीडियो तो बहुत कुछ आने वाली है क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो हम जाने वाले हैं द्वारहाट, दिखाएंगे आपको, और दूनागिरी मंदिर, और कल फिर एक और शादी है तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं इन बहुत सारी टीम के साथ अगली बार भी। तब तक के लिए बाय बाय। चालू कर